इससे पहले तमाम साथी आए हैं और ज्यादातर बात कही जा चुकी। वैसे भी ये कोई भाषण देने का अवसर नहीं है और किसी संगठन का प्रचार करने का मंच नहीं, ये एक पवित्र मंच है और एक बहुत गंभीर मुद्दा। यहां जंतर मंतर पे अनेक मंच लगते हैं, तमाम तरह के मुद्दे होते हैं, सब सही होते हैं, लेकिन याद रहे यहां हम किसी के लिए ज्यादा तनख्वाह मांगने, कोई डीए मांगने, कोई प्रमोशन मांगने, कोई आरक्षण मांगने नहीं बैठे। यहां सौरभ का परिवार और उसका मित्र अपने लिए कुछ मुआवजा मांगने नहीं बैठा। हम सब यहां अपने अपने लिए कुछ देने के लिए, कुछ बचाने के लिए नहीं बैठे। हम यहां बहुत बड़ी चीज के लिए आए। जैसा किसी साथी ने कहा, एक हत्या होने से पहले कम से कम 99 और मामले होते हैं जिसमें हत्या होती नहीं या उसका पता नहीं लगता, जहां किसी का मुंह बंद करवा दिया जाता है, जहां हत्या की बजाय मार पिटाई से काम चल जाता है, जहां चीज कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाती। और अगर 10 हत्या होती है, 10 मौत होती है, उनमें से 9 मामलों में घर परिवार वाले परिजन इतना साहस नहीं जुटा पाते, ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाती कि वो इस मामले को लेके सड़क पे आ सके, देश और जनता के सामने आ सके। ऐसे मानसिक इमोशनल सदमे से गुजरने के बाद क्या स्थिति होती है किसी परिवार की, जिसका मतलब है कि ऐसे हजार मामले होते हैं उनमें से एक मामला दुनिया के सामने पहुंच पाता।